Hello students, today is my fourth video on crystallography. So today we will discuss axial ratio, axial plane and different methods of notation, that is parameter, indices and symbol. So these are also very fundamental to crystallography, and understanding of all these things are very very important if you study the crystallography in more details. So okay, तो इससे हम लोगों ने कुछ बात किया था, एक्सिस, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे हमने बात किया था. दीज आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ द क्रिस्टल फेसेस एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल्स. सो वी विल टॉक टूडे अबाउट एक्सियल रेशियो एंड एक्सियल प्लेन. सो ऑन द बेसिस ऑफ द relative length of the crystallographic axis, we can divide the entire system into three types. One is called isometric, second one is called isodiametric, and the third is unisometric. So we can classify the six crystal systems into these three broader categories. In isometric system, what happens? All the three crystallographic axes are equal in length. मैंने पहले भी इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो तीनों crystallographic axes है वो बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है. तो एक ग्रुप है, that is called isometric group, in which all the three crystallographic axes are equal in length. And you must be remembering that is nothing but क्यूबिक सिस्टम, जिसको हम लोग आइसोमेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं. तो ये पहला ग्रुप हो गया आइसोमेट्रिक. द सेकेंड ग्रुप ऑफ सिस्टम यू कैन से दैट इज आइसोडायमेट्रिक. सो इन आइसोडायमेट्रिक व्हाट हैपेंस कि टू और थ्री, एज द केस मे बी, टू इन द केस ऑफ टेट्रागोनल एंड थ्री इन द केस ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम, ये दोनों ही जो है हॉरिजॉन्टल होगा दोनों ही केस में. दो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस टेट्रागोनल में और तीन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हेक्सागोनल के केस में दे विल बी इक्वल इन लेंथ एंड दे आर हॉरिजॉन्टल आल्सो. बट द थर्ड, जैसे टेट्रागोनल अगर है तो उसमें थर्ड एक्सिस वर्टिकल वाला, और अगर ये हेक्सागोनल है तो नेचुरली फोर्थ एक्सिस हो जाएगा, बिकॉज थ्री एक्सेस आर परपेंडिकुलर, थ्री एक्सेस आर इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइक दैट. ओके, सो इन आइसोडायमेट्रिक व्हाट हैपेंस कि दो या तीन, दो एक्सिस टेट्रागोनल में या फिर तीन एक्सिस हेक्सागोनल में, इसमें ए वन और ए टू कहते हैं और इसमें ए वन ए टू एंड ए थ्री कहते हैं. तो ये जो है सो बराबर होगा, लेंथ में बराबर होगा. लेकिन तीसरा एक्सिस जो वर्टिकल है इन टेट्रागोनल, जिसको सी कहेंगे, ये अलग हो सकता है लेंथ में. फिर उसी तरह से जो फोर्थ एक्सिस हेक्सागोनल का है, विच इज ऑल्सो वर्टिकल, वो भी अलग लेंथ का होगा. तो ये जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड आइसोडायमेट्रिक. और इसमें कौन कौन से दो आएंगे, वन इज टेट्रागोनल एंड सेकेंड इज हेक्सागोनल. तो आपको याद होगा टेट्रागोनल में तीन एक्सिस, हेक्सागोनल में चार एक्सिस. इट हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड टू यू वेरी नाइसली. एंड द थर्ड ग्रुप that is unisometric. So in unisometric group, all the three axes are unequal in length. So this unisometric embraces orthorhombic, monoclinic and triclinic systems. So in tino mein, orthorhombic mein, monoclinic mein aur triclinic mein, tino axes alag alag length ke hote hain. और इनका नोमेनक्लेचर भी अकॉर्डिंगली हम लोग ए एक्सिस, बी एक्सिस, सी एक्सिस करते हैं, आपको याद होगा. सो अगर तीनों ही एक्सिस अनइक्वल लेंथ के हों तो इसको हम कहेंगे अनआइसोमेट्रिक. ओके, और इसमें तीन आ गया आपका, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक. तो आपको याद होगा ऑर्थोरम्बिक में जो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है नोन एज बी, जो कि लंबा होता है एंड इट इज कॉल्ड
इट इज कॉल्ड मैक्रो एक्सिस. जो दूसरा है ए एक्सिस, बी से छोटा होगा एंड इट इज कॉल्ड ब्रैकी एक्सिस. और तीसरा तो वर्टिकल वाला सी कहलाता ही है. मोनोक्लिनिक के केस में जो इंक्लाइंड एक्सिस होता है दैट इज कॉल्ड क्लाइनो एक्सिस. तो दिस इज नथिंग न्यू. ऑर्थोरम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, तो दिस इज अनआइसोमेट्रिक. नाउ कम टू एक्सियल रेशियो. तो आइसोमेट्रिक हो, आइसो डायमेट्रिक हो या अनआइसोमेट्रिक हो, देयर मे बी थ्री एक्सिस और फोर एक्सिस इन द केस ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम. सो दीज क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैव सर्टेन रेशियो. एंड स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट आइसोमेट्रिक सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम, जिसमें कि तीनों ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इक्वल है, इफ वी डिटर्मिन द एक्सियल रेशियो इट विल डेफिनेटली कम 1:1:1 बिकॉज ऑल द थ्री एक्सिस आर इक्वल. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, दिस इज ए वन एक्सिस, दिस इज ए टू एक्सिस एंड दिस इज ए थ्री एक्सिस, ए वन, ए टू एंड ए थ्री. सो सिंस ऑल द थ्री एक्सिस आर इक्वल इन लेंथ, सो द एक्सियल रेशियो विल बी डेफिनेटली 1:1:1 एंड इट नीड नॉट टू बी डिटर्मिंड. ओके, रही बात आइसो डायमेट्रिक या अनआइसोमेट्रिक, तो इसमें चूंकि जो लेंथ है तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के या चारों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलग अलग हो सकते हैं, तीनों या चारों इक्वल नहीं है, इसलिए इट इज इंपरेटिव टू डिटर्मिन द एक्सियल रेशियो. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एक्सिस को स्टैंडर्ड लेंथ का या यूनिक लेंथ का मान लेते हैं. और जनरली किस एक्सिस को करते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है विच ऑक्यूपाई द पोजिशन ऑफ ए टू और बी, उसको हमेशा हम क्या करते हैं कि ये एक यूनिक लेंथ उसको कॉन्सिडर करते हैं, स्टैंडर्ड लेंथ कॉन्सिडर करते हैं और उसको मानते हैं कि वो लेंथ वन है. तो उसके रिलेशन में व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए वन और व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए और सी, व्हाट एवर इट मे बी, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली. जैसे कुछ एक्सियल रेशियो यहां लिखा हुआ है, जिरकॉन, यू कैन सी द एक्सियल रेशियो इन जिरकॉन इज 1:1:0.6407. इसको आप इतना लंबा अगर आप नहीं याद भी रख पाते हैं तो कम से कम एटलीस्ट टू डिजिट्स में आपको याद होना चाहिए कि इट शुड बी 1:1:0.64. सेकेंड वन इज वेसुवियनाइट, 1:1:0.5372. दिस इज द रेशियो, एक्सियल रेशियो इन वेसुवियनाइट. थर्ड वन इज ऑक्टाहेड्राइट, ऑक्टाहेड्राइट द रेशियो इज 1:1:1.771. सो दिस इज ऑक्टाहेड्राइट एंड ऑल दीज थ्री क्रिस्टल्स दे बिलोंग टू टेट्रागोनल सिस्टम. नाउ यू कैन रिकॉल what happens in tetragonal system, C may either be longer or shorter. तो यहां पर देखो इन दो केस में, जिरकन और वेसुवियनाइट के केस में C is shorter. हम क्या किए हैं कि A2 को हमने यहां पर क्या किया है, स्टैंडर्ड ले लिया है, दिस इज वन. तो ये हमने क्या किया है कि इसको स्टैंडर्ड लिया है, इसको स्टैंडर्ड लिया है और इसके रिलेशन में we have determined the value or the ratio of A and A1 and C. तो इन दो केस में, जिरकॉन एंड वेसुवियनाइट के केस में जो C का वैल्यू है वो कम है, बाकी दोनों वन वन है बिकॉज ए वन एंड ए टू आर इक्वल. बट इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्राइट 1:1:1.771 means C axis is longer. So these three crystals are of टेट्रागोनल सिस्टम. अब आ जाइए, ये दोनों ऑर्थोरम्बिक का है, दीज आर ऑर्थोरम्बिक. तो ऑर्थोरम्बिक में यू माइट बी नोइंग ऑल द थ्री क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर अनइक्वल इन लेंथ. दिस इज द मॉडल ऑफ बेराइट, इट बिलोंग्स टू ऑर्थोरम्बिक सिस्टम. तो ऑर्थोरम्बिक सिस्टम में तीनों ही एक्सिस उसके अलग लेंथ के होते हैं, ए बी एंड सी. B is longer और A जो है it is shorter और ये C हुआ. तो ये अगर बेराइट है, इसका मतलब हुआ कि इसमें तीनों जो लेंथ हैं
ए बी और सी का ये भी अनइक्वल होगा, कोई भी वन नहीं आएगा वैल्यू, नहीं अगर वन आता भी है स्टैंडर्ड वाले को, बी को हम स्टैंडर्ड मान लें, इसको वन इसको मान लें, इफ वी कंसीडर दिस बी एज वन लेंथ, तो इसके रिलेशन में ए का क्या लेंथ है और सी का क्या लेंथ है, ये निकालते हैं हम लोग। तो बहुत सिंपल सा है यहां पर। तो इन केस ऑफ सल्फर यू सी द वैल्यू इज 0.8131 इज टू वन। मैंने आपको बताया कि बी एक्सिस को इसमें हमने ले लिया है स्टैंडर्ड लेंथ वन मान लिया, तो इज टू वन इज टू 1.9034। यानी इसमें देख रहे हैं हम लोग कि ए स्मॉलर है, ए इज स्मॉलर देन बी, है ना, और ये लंबा है, ये लंबा हो भी सकता है छोटा भी हो सकता है, रिलेशन किसमें किसमें है बिटवीन ए एंड बी, सो बी इज ऑलवेज लॉन्गर एंड इट इज कॉल्ड मैक्रो एक्सिस, बी इज शॉर्टर, बी छोटा है और इसको कहते हैं ब्रैकी एक्सिस। तो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस रेशियो। नेक्स्ट इज बेराइट, तो बेराइट का ये रेशियो है, एक्सियल रेशियो इज 0.8152 इज टू वन इज टू 1.3136, सो दिस इज द एक्सियल रेशियो ऑफ बेराइट। तो ये ऑर्थोनॉमिक का है, इसी तरह से हम लोग किसी सिस्टम का एक्सियल रेशियो कैलकुलेट करता है कर सकते हैं, और ये डिफर करता है क्रिस्टल टू क्रिस्टल, एक ही सिस्टम में जो डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं उसमें जो एक्सियल रेशियो है वो डिफर करेगा, लेकिन जो बेसिक रिलेशन है वो हमेशा वही रहेगा, है ना, बेसिक रिलेशन में फर्क नहीं आएगा, न्यूमरल वैल्यू थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सियल रेशियो। नाउ वी विल डिस्कस पैरामीटर इंडिसेस एंड सिंबल। सो दीज आर सिस्टम ऑफ नोटेशन, मेथड ऑफ नोटेशन of different crystallographic faces. Say for example, I want to express with certain notation this face. So these are very important, parameter, indices and symbol. So parameter is nothing but the relative intercept of a face on different crystallographic axis. So it consists of, the parameter consists of series of numbers which express the relative intercept of a face on different crystallographic axis. For example, ये octahedron है, अब ये इसमें किसी भी एक face को ले लें, सामने का ये जो face है इसको हम लोग ले लें, तो we find that this face is intersecting A1 axis, A2 axis and A3 axis at equal length. So the relative intercept of this face on different crystallographic axis is 111. ओके लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक सफिक्स के रूप में जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उसको ऐड कर देते हैं, यानी इफ वी राइट द पैरामीटर ऑफ दिस फेस इट शुड बी 1A1, 1A2 एंड 1A3। सपोज आई वॉन्ट टू राइट द पैरामीटर ऑफ दिस फेस, दिस इज क्यूब, सो इफ आई वॉन्ट टू राइट द पैरामीटर ऑफ दिस फेस तो क्या होगा, ये पहले A1 एक्सिस को कट करता है, यूनिट मान लें हम लोग 1 यूनिट पे ये कट करता है, इसको इंटरसेप्ट करता है, एंड इट इज पैरेलल टू A2 एंड इट इज आल्सो पैरेलल टू A3। सो व्हाट विल बी द रिलेटिव इंटरसेप्ट ऑफ दिस फेस ऑन डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, सो इट शुड बी 1A1 इन्फिनिटी A2 एंड इन्फिनिटी A3 because two parallel lines or two parallel planes meet at infinity, इसलिए A2 के साथ या A3 के साथ इसका जो intercept है वो कितना होगा, infinity होगा। तो एकदम बहुत simple सा है। तो इसमें देखिए यहाँ पर मैंने तीन axis को show किया है, ये A axis है, ये B axis है और ये C axis है, और देखिए इसमें कुछ crystallographic हमने दिखाया हुआ है, ये तीनों एक्सिस को A को B को C को अलग अलग लेंथ पे कट कर रहा है, जैसे एक फेस है ABC, आप देख रहे हो A को यहां तक कट कर रहा है, B को इस रेशियो पे कट कर रहा है और C को इस लेंथ पे कट कर रहा है। दूसरा फेस है PQR, ये भी उसी तरह से, जैसे अगर ये का पूरा यहां तक लेंथ है तो यहां पूरा फुल 1 पे कट कर रहा है, उसी तरह से एक तीसरा है P
पी एस आर, तो अलग अलग लेंथ पे वो कट कर सकता है। अब हम लोग आए कैसे पैरामीटर से हम फिर इंडिसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो इंडिसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंडिसेस आर द सिंप्लीफाइड एंड एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ पैरामीटर। सो दिस इज सिंप्लीफाइड, मैंने सिंपल कर देना है, एंड एब्रीविएटेड थोड़ा संक्षिप्त कर देना है, तो हमारा बन जाएगा इंडिसेस। और इंडिसेस का कई तरीका होता है इंडिसेस लिखने का, बट द मोस्ट कॉमन मोस्ट पॉपुलर इज नोन एज मीलर सिस्टम ऑफ इंडिसेस। सो मीलर, अ वेरी फेमस और नोटेड क्रिस्टलोग्राफर, ही डिवाइस्ड दिस स्कीम ऑफ राइटिंग द इंडिसेस। तो यहां देखिए, यहां पैरामीटर हमने लिया है और ये कैसे बनाया जाता है, ये इस कॉलम में है और फाइनली मीलर सिस्टम ऑफ इंडिसेस। तो क्या करना है, आपने आपको मैंने बताया कि इंडिसेस में पहले तो सिंप्लीफाई करना है और दूसरा एब्रीविएट करना है। तो इसमें सबसे पहला क्या करना है कि ये जो ए बी सी ये सब जो लिखा हुआ है एज ए सफिक्स टू इंडिकेट द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, इसको यू हैव टू ड्रॉप, इसको ड्रॉप कर दीजिए। दूसरा क्या काम करना है कि इसका इन्वर्शन करना है, इन्वर्ट करना है, रेसिप्रोकल लेना है, वी हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ द पैरामीटर। अब जैसे 111 था, एबीसी को तो ड्रॉप कर दिए, अब यहां आया 111, तो इस 111 का सब तीनों तीनों फिगर का क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, यानी 1/1, 1/1 एंड 1/1। तो नेचुरली 1/1, 1/1, 1/1 मींस 111। तो मिलर सिस्टम ऑफ इंडिसेस क्या हो गया इसका, 111। क्लियर। दूसरा जैसे देखिए आप 2a 2b 2c, अब इसको इसका अगर हम लोग इन्वर्शन करेंगे, अगर रेसिप्रोकल लेंगे, तो इट विल बी 1/2, 1/2 एंड 1/2। लेकिन क्या करना है कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, ये जो इंडिसेस होगा फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन होल नंबर। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम सुटेबल नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, सबको अगर हम मिनिमम सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा काम बन जाएगा। ओके, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट क्या आया, इट विल बी 111। पैरामीटर से ये इंडिसेस क्या हो गया, मिलर सिस्टम ऑफ इंडिसेस 111 हो गया। फिर उसी तरह से एक और देखिए यहां 1a 1/2b 1c, इसको भी हमने ये किया, इन्वर्शन लिया इसका, तो 1/2 आ गया अपने आप, इसमें कहीं कोई फ्रैक्शन को क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। यहां भी उसी तरह से एक है पैरामीटर 1/4a 1/3b एंड 1/2c, इसका रेसिप्रोकल अगर हम लोग लेंगे तो अगेन अपने आप ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जा रहा है, 432। तो इसका जो मिलर सिस्टम है दैट विल बी 432। यहां पर देखिए, इसको आपको फ्रैक्शन को क्लियर करने के लिए कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इफ द पैरामीटर इज 1a 4/3b एंड 2c, तो क्या होगा, ये 1/1 4/3 हो गया 3/4 और 2 हो गया 1/2। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इस फ्रैक्शन को रिमूव करना जरूरी है, तो वी कैन रिमूव द फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर विद 4। तो 4 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या अल्टीमेट आया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 3 हो गया और ये फिर 2 हो गया, तो 4/3/2, तो इसका मिलर सिस्टम 4/3/2 हो गया। इस तरह से वी कैन वेरी इजिली डेराइव द मिलर सिस्टम ऑफ इंडिसेस। सिर्फ एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि जो फेस है, जो क्रिस्टल के क्रिस्टलोग्राफी का एक्सिस है ना, उसको पॉजिटिव एंड या निगेटिव एंड पे कट कर रहा है। अगर निगेटिव एंड पे कट कर रहा है तो उस एक्सिस के लिए करस्पॉन्डिंग टू दैट एक्सिस वी हैव टू राइट अ बार ऑन दैट फिगर। जैसे इसका हम बात करें, इसका इंडिसेस हमने डिराइव किया था 100, तो इसके पैरेलल इधर जो फेस है
A1 को नेगेटिव पे कट कर रहा है तो इसका क्या होगा, 5100। फिर इसी तरह से मान लीजिए इसका अगर 0010 है तो इसका क्या होगा, 0120। तो इस तरह से जो नेगेटिव एंड्स है उसको भी हम लोग दिखलाते हैं इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरामीटर इंडिसेस एंड सिंबल। सो यू मस्ट नो दैट देयर आर सम अदर सिस्टम ऑफ नोटेशन आल्सो। सो दिस इज जस्ट फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट, दिस इज नॉट इन प्रैक्टिस, बट यू मस्ट नो। One is called WIS notation, WIS system of notation. So WIS thought that there is no need of converting parameter into indices. So simply we can write the parameter. So as per WIS notation, the indices is nothing but the parameter. Jo parameter hai usi ko WIS ke hisab se, according to WIS, this is the indices of that particular phase. So nothing special, okay. दूसरा जो नोटेशन है इसको थोड़ा समझना है, दैट इज नॉर्मन सिस्टम ऑफ नोटेशन। तो नॉर्मन सिस्टम ऑफ नोटेशन में थोड़ा सा आप समझिए, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स। तो इसने नॉर्मन ने क्या कहा कि यूनिट पिरामिड जो है, पिरामिड यू मस्ट बी नोइंग, सो यूनिट पिरामिड इसको ओ और पी लेटर से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, नथिंग एल्स। कोई लेटर, कोई और फर्दर, कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज यूनिट पिरामिड देन इट मे बी एक्सप्रेस बाय आइदर ओ और बाय पी। ओ किसके लिए, आइसोमेट्रिक का अगर यूनिट पिरामिड है देन ओ, अगर अदर देन आइसोमेट्रिक है तो ये पी होगा। तो यूनिट पिरामिड के लिए नॉर्मन ने ये चीज कहा। अब आ जाइए दूसरे फॉर्म्स, अगर पिरामिड नहीं है दूसरे फॉर्म है तो इट मे बी एक्सप्रेस्ड आइदर एज MON और MPN। तो ओ समझ में आ रहा है, ओ है इसका मतलब हुआ ये अदर फॉर्म्स इन आइसोमेट्रिक सिस्टम का है, MPN है इसका मतलब अदर फॉर्म्स इन अदर देन आइसोमेट्रिक है। तो ओ और MP तो अपना है ही है, M का क्या मतलब है वो समझिए। सो M इज नथिंग बट द इंटरसेप्ट अपॉन वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो है सी का, और एन जो है ये इंटरसेप्ट है आइदर ऑन ए और ऑन बी, ए और बी में से किसी का इंटरसेप्ट है। और फर्दर इसको हम कि ए का है या बी का है, एन के बताया आपको कि एन क्या है, ए या बी का इंटरसेप्ट है। तो एन अगर है, एन एन के ऊपर अगर बार लगा है तो दैट इज बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के साथ उसका इंटरसेप्ट है। ए के साथ है तो दो तरह से करते हैं हम लोग, एन ट्रफ, ये ट्रफ है, एन ट्रफ, एन ट्रफ और एन डैश। तो एन ट्रफ और एन डैश अगर है लगा दिए तो इंडिकेट करेगा कि ये ए का इंटरसेप्ट है। और अगर दूसरी चीज ये है कि M और N अगर यूनिटी है, जो इंटरसेप्ट है अगर वन है तो इसको हम लोग ओमिट करते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं। सो दिस इज द स्कीम प्रपोज्ड बाय नॉर्मन नोटेशन, नॉर्मन सिस्टम। डाना का जो नोटेशन है जस्ट फॉर मॉडिफिकेशन है नॉर्मन का। एज पर डाना जो लेटर P और O है ना, वो उन्होंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया बाय हाइफन, जस्ट एक हाइफन लगा देना है। जैसे MPN है या MON है तो ये P और N नहीं लिख करके उसकी जगह एक हाइफन लिखेंगे। तो MON जैसे है तो M हाइफन N और M हाइफन N, इसी तरह से P के लिए भी उसी तरह से। तो लेटर O और M, ये जो है O और P, ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाय हाइफन। दिस इज द स्कीम प्रपोज बाय डाना। दूसरा चीज ये है कि अगर वो इन्फाइनिटी है, अगर कहीं पर इंटरसेप्ट इंफिनिटी आ रहा है तो वो रिप्लेस हो जाता है बाय आई, आई। तो इस तरह से ये हो जाता है। और फंडामेंटल पिरामिड अगर है, फंडामेंटल पिरामिड फॉर्म है तो इस दाना नोटेशन में ये वंस एक्सप्रेस करते हैं। तो एटलीस्ट ये तीन अदर जो नोटेशन सिस्टम है दैट इज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर एकेडमिक पर्पसेस। So this is all about today's lecture. Thank you, students.